रॉड में एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है प्यारे बच्चों हमारे पास में एक सिलेंडिकल रॉड है जो कि यूनिफॉर्म रॉड है आप देख रहे हैं ये एक वर्टिकल मोशन करने के लिए फ्री है इसका जो पहला वाला इंड है ये ग्राउंड पर पावोटेड है दूसरे इंड को हमने क्या किया कि वर्टिकल पोजीशन से रिलीज कर दिया है छोड़ दिया है तो जब रॉड को यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगा रॉड नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी ऐसे गिरना स्टार्ट कर देगी तो जब रॉड गिरते 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 किसी टाइम पर थीटा एंगल पर होगी थीटा की पोजीशन पर होगी ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही होगी तो आपको पता लगाना है इस रॉड में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया होगा पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द मास कैपिटल एम एंड लेंथ स्मॉल एल इज बाई एट वन इंड सो दैट इट कैन रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन र इज नेग्लेजिबल फ्रिक्शन एट द पाइवॉट यहां कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है याद रखें चीज को फ्रिक्शन नहीं मतलब यहां पर टार्क इस एंड पर नहीं लगने वाला है द फ्री इंड इज हेल्ड वर्टिकली एवब द पाइवॉट एंड देन रिलीज द एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द रॉड वैन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्व कैसे करें बच्चों ध्यान से देखिएगा यहां पर ये यह जो रॉड है इस रॉड पर अगर देखें जब ये थीटा एंगल की पोजीशन पर होगी नीचे की तरफ आ रही होगी तो इस पर इसका वेट काम कर रहा होगा वेट काम कर रहा होगा एम आप देख रहे हैं इस वेट एम ने क्या बनाना है एक टॉर्क अप्लाई करना है ये वेट एम इस पर एक टॉर्क अप्लाई कर रहा होगा और आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो टॉर्क का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ में एक रिलेशन होता है क्या रिलेशन होता है भाई टाउ इक्वल्स आई अल्फ़ा तो सिंपली टार्क अप्लाइड बाई द वेट मस्ट बी इक्वल टू द टार्क एक्सपीरियंस दैट इज द आई इंटू अल्फा मोमेंट ऑफ एनर्जी इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन यही आपको अप्लाई कर देना है आपका आंसर तुरंत आ जाएगा मैं लिख रहा हूं देखिए इस रॉड की लंबाई एल है एल लंबाई की रॉड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा एट द मिडिल होगा तो ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी होगी ये लेंथ होगी आपकी एल बाई टू ये वाली लेंथ इतनी लेंथ मान लो ये पॉइंट आपका P है ये पॉइंट आपका M है और ये पॉइंट आपका मान लो A है हम यहां लिखने जा रहे हैं टार्क अप्लाइड बाय द वेट ऑफ द रॉड सॉल्यूशन में लिख रहे हैं टार्क टार्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स है ना टार्क अप्लाइड बाय द वेट ऑफ द रॉड बाय वेट ऑफ द रॉड टाउ लिख रहा हूं उाइल टाउ इक्वल्स क्या करेंगे परपेंडिकुलर फोर्स जो कि इसका वेट है इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दट इज द दिस डिस्टेंस हमें इस डिस्टेंस को लेना पड़ेगा चूंकि ये जो रॉड है वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है तो देखना है इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल डायरेक्शन से अगर देखो तो ये जो फोर्स लगा हुआ है ये कितने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं अगर आप इस ट्रैंगल को देखें ध्यान से पी एम इसको मान लो चलो पॉइंट सी आपका तो जो सी से एम तक की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगी ये डिस्टेंस होगी एल बाई टू साइन थीटा है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री लगाओ साइन थीटा इक्वल्स सी एम अपॉन एल बाई टू सी एम इक्वल्स एल बाई टू साइन थीटा हम कह सकते हैं टॉर्क इक्वल्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस दैट इज द एल बाई टू साइन थीटा ये टॉर्क लग रहा होगा इसके वेट की वजह से और आप जानते हैं कि वेट डब्ल्यू इक्वल्स एम जी सो हम कह सकते हैं एम जी एल बाई टू साइन थीटा इज द टार्क अगेन टार्क इक्वल्स मोमेंट ऑफ एनर्सिया इन टू प्रोड्यूस्ड तो ये जो रॉड है जरा देखो इस रॉड का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो रहा होगा ये रॉड अपने इंड के अबाउट घूम रही है तो जब कोई रॉड अपने इंड के अबाउट घूमती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ आई इक्वल्स एम एल थ्री है कि नहीं इन टू अल्फ़ा कर दो आप एम जी एल बाई टू साइन थीटा इक्वल्स एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री इन टू अल्फा ठीक देखिए दोनों साइड से आपका ये मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा एल से एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा अभी एल की वन पावर बचने वाली है बताएं जरा अल्फा की वैल्यू क्या होगी आप कह सकते हो कि अल्फ़ा इक्वल्स इस थ्री को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा तो जरा ये तो थ्री से आके मल्टीप्लाई कर देंगे आप आपका आंसर हो जाएगा थ्री जी साइन थीटा थी अपॉन टू टाइम्स ऑफ स्मॉल एल यही है इस रॉड का एक्सेलेशन देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था अल्फा इक्वल्स थ्री जी थीटा अपॉन टूएल्व इस रॉड का एक्सेलरेशन कितना होगा थ्री जी थीटा अपॉन टू टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड थैंक यू